सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता बिल्कुल सही और काफी प्रेरणादायक है। मनुष्य के जीवन में आने वाली कोई भी चुनौती बहादुर को उसके मार्ग से विचलित नहीं होने देती। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में बिना कठिन परिश्रम किए कामयाबी का स्वाद नहीं चखा जा सकता। संघर्ष से कामयाबी हासिल करने की कहानियाँ दूसरों को भी उसके लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती हैं। कई बार लोग अपनी गरीबी का हवाला देकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन जिसके सर पर कुछ कर गुजरने की धुन सवार हो तो वो किसी भी प्रकार की कठिनाई, चुनौती व संघर्ष से विचलित नहीं होता। वो उन सभी समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ता है। आज आपको हम एक ऐसी ही संघर्ष भरी लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं, जिससे अत्यंत गरीबी का सामना करते हुए पहले ही प्रयास में UGC नेट क्वालिफाई किया है। उसने सफलता हासिल कर अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अर्गंज के तरुण बिष्ट ने UGC नेट में बाय ऑल इंडिया 34वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें, क्षेत्र के बेटे तरुण बिष्ट ने सिर्फ जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अब उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सितारगंज स्थित वार्ड नंबर 3 निवासी तरुण बिष्ट पुत्र गिरीश चंद्र बिष्ट ने ये परीक्षा पास की है और रिजल्ट आने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल था। मूल रूप से चंपावत की गरसारी ग्राम निवासी तरुण बिष्ट बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की, जिसके बाद भारत के टॉप विश्वविद्यालय में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की डिग्री हासिल की। वहीं गुरुवार को आए रिजल्ट में उन्होंने अपने नेट परीक्षा में भौतिक विषय से देश में चौथे। तरुण बिष्ट के पिता गिरीश चंद्र बिष्ट नगर में टुकटुक चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, जबकि माता हाउसवाइफ है। तरुण की सफलता में इन दोनों का बड़ा रोल है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है।